पहली बार भारतीय टीम अपने घर में 10 विकेट से हारी है और ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और कप्तान एरोन फिंच की वजह से। दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई में गदर मचा दिया। बात करेंगे दोनों की पारी के बारे में, लेकिन इससे पहले मैच पर एक नज़र डाल लेते हैं। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 74 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा फ्लॉप रहे, उन्होंने 10 रन बनाए। वहीं लोकेश राहुल ने 47, कप्तान कोहली ने 16, श्रेयस अय्यर ने 4, ऋषभ पंत ने 28 और रविंद्र जडेजा ने 25 रनों की पारी खेली। 256 रनों के लक्ष्य को फिंच और वार्नर ने काफी छोटा बना दिया। फिंच ने 110 रनों की पारी खेली, यह उनके करियर का 16वां शतक है। वहीं वार्नर ने 128 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और यह उनके करियर का 25वां शतक था। इस शानदार पारी के लिए वार्नर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आई। कोई भी गेंदबाज फिंच और वार्नर की जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के साथ ही गेंदबाजों की ओर से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मिशेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और रिचर्डसन ने 2-2, वहीं जैम्पा और एगर ने 1-1 विकेट हासिल किया। 10 विकेट की इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब सीरीज का दूसरा मैच 17 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि टीम इस मैच को हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को अपने नाम कर लेगी, यानी अब कोहली की सेना को कंगारुओं के खिलाफ फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वैसे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किन कारणों से भारतीय टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और किन बदलावों के साथ टीम इंडिया दूसरे मैच को अपने नाम कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा जानकारी पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।